नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के 7 नाबालिग बच्चों को शनिवार को सुरक्षित तमिलनाडु से रांची लाया गया। यहां से इनके घर चतरा और पलामू भेज दिया गया। इससे पहले रांची स्टेशन पर बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा गया, साथ ही इनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई। बच्चों ने बताया कि इन्हें ठेकेदार दीगन भुइया ने 23 अगस्त 2021 को तमिलनाडु लेकर गया था। वासती मूर्ति नामक कंपनी दिव्या अपार्टमेंट में काम में लगा दिया। वहीं बच्चों का शोषण शुरू हो गया था, देर तक इनसे काम करवाया जाता था। नाबालिगों से बिल्डिंग निर्माण में सेंटरिंग का काम करवाते थे। श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने निभाई अहम भूमिका। इन बच्चों के रेस्क्यू कार्य में श्रम विभाग और फिया फाउंडेशन की ओर से संचालित राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंट्रोल रूम प्रभारी शिखा लकड़ा ने बताया कि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तमिलनाडु सरकार से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी और समन्वय स्थापित कर बच्चों को रेस्क्यू कराया। रजनी दापे ने बताया कि तमिलनाडु सरकार की समाज कल्याण विभाग की पदाधिकारी वी आर रेणुका देवी ने बच्चों को रेस्क्यू कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाने कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया। घटना की जानकारी पलामू के श्रम अधीक्षक ने राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को दी। नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तमिलनाडु के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रोबेशन ऑफिसर वी आर रेणुका देवी से संपर्क स्थापित किया। रेणुका देवी ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही पलामू के कॉन्ट्रैक्टर दीगन भुइया को गिरफ्तार करा और बच्चों के बयान के आधार पर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कराई। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।